देख सकते हैं भाई साहब इतना गोलगप्पे चैलेंज चैलेंज होता है। बाप रे बंद करिएगा, अरे बंद करिए कैमरा जी, बंद करो जी। लीजिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे। मैं सबसे पहले आप लोग का नमस्ते कर रही हूँ, मैं अपन हस्बैंड जी का भी नमस्ते कर रही हूँ। नमस्ते जी का मैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह के टाइम कितना हो रहा है देख लें, 8:24 हो रहा है। एंड गाइस, अभी हम लोग सोकर उठ चुके हैं भाई साहब, और रोज हमेशा नहा धो के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज मेरा भी चेहरा देखिए कैसे हुआ है सुबह सुबह, और हीरा जी का चेहरा देखिए कैसे हुआ। तो दोस्तों, हम लोग आए भाभी जी के घर, काफी अच्छा लग रहा है। हीरा जी, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी मम्मी बहुत प्यार कर रही है। और देखिए भाई साहब, हमारे लिए हीरा जी ला दी है दातू, मतलब रिश्तेदार में हम लोग इधर कहीं जाइए ना, तो मतलब इससे दातून मिलता है करने के लिए। इधर भाभी जी है कि मैं बरस करने जा रही हूँ, बाकी अभी हम लोग बताएंगे कि इनको गिफ्ट में क्या मिला मुंबई में। नहीं, हाँ भाभी जी का कुछ मिला है इनके मायके की तरफ से, हाँ। तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। तो अभी हम लोग दिखाते हैं कि क्या क्या मिला है, और पहले तो चलते हैं ब्रश कर लेते हैं, मुंह वगैरह धुलते हैं, हाँ। फिर आपसे मिलेंगे हम लोग। अंगिरा जी को दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिये इधर प्यारा सा बाबू अभी खेल रहा, चाचा चाची बोल रहा। हाँ इधर देखिए दोस्तों, भाभी जी है, और क्या भाजी लीजिए, दे दे कर रही है दातुन करने के लिए। और बाकी दोस्तों देख सकते हैं इधर सुबह सुबह अभी खाना बनने की तैयारी हो रही है। देखिए इतना सारा आ नहीं रही है आप लोग थोड़ा दूर से, देखिए अभी इतना सारा चावल चढ़ चुका है, मतलब सब लोग को खाने के लिए, और ऐसे चूल पे बनता है। यहाँ कुछ लोग बना रहे, उन लोग को नहीं दिखा सकते नहीं अंगिरा जी। उसमें चाय बन रहा है। अच्छा चाय बन रहा है इतना ज्यादा? दोस्तों ये देखिए, मतलब भर के चाय, इतना ज्यादा चाय, ज्यादा लोग है ना। हाँ ज्यादा लोग है, ब्रश कर लेते हैं फिर। और भाई साहब सुबह सुबह दातुन कर रहे हैं रोड पे, टहलते टहलते टहलिए और दातुन कीजिए। पीछे अंगिरा जी आ रही है। इधर देखिए कितना प्यारा नजारा दिख रहा, बांस है, पेड़ पौधा, और इधर देखिए खेती बाड़ी तुरंत घर के पास ही होता है। भाभी जी का घर ना गांव में नहीं है। हाँ देखिए दोस्तों, गांव के बाहर है, बाकी उधर टेंट वगैरह लगाया, जो शादी वगैरह था, शादी वगैरह है कुछ लोग का। और दोस्तों देखिए अंगिरा जी अभी कपड़ा वगैरह मेरा धुल के वहाँ डाली है, मतलब सूख जाएगा पहनेंगे। देखिए दोस्तों कैसे पसारा जाता है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सूख गया अंगिरा जी? सूख गया। क्या हुआ? सीट में भीग गया था। हाँ अभी सूख गया, घाम लगा ना तो सूख गया। आप नहा कर पहन लीजिएगा। ठीक है, ठंडी में पता नहीं कौन मार दिया, देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे पंजाबी लोग रहते हैं। रस वगैरह हो चुका और मस्त चाय पीते गाइस, रोजाना की तरह देख सकते हैं, नमकीन को चाय में डुबो दिए हैं। तो भाई साहब एक पोपट हो चुकी है, बाबू के गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है, तो अपने गाड़ी में से निकालने चल रहे हैं, देसी जुगाड़ हम लोग लगा रहे हैं। चलिए मामा आइए भाई, ये देखिए पाइप यहाँ से निकाला जा रहा। अरे यार क्या हुआ? ऊपर के 1:57 हो गया भाई साहब, अभी तक नहाए नहीं है, और अभी जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि काफी देर तक हम लोग जगे थे तो सो गए थे, और खाना पीना तो हो गया, फटाफट चलते हैं अभी नहाते हैं। इधर देखिए अंगिरा जी अभी क्या कर रही हैं? मेकअप कर रहे हैं। अभी देखिए अंगिरा जी मेकअप कर रही हैं, मतलब आप भी लेट से नहाई हैं? हाँ अभी को नहा का है। हाँ चलिए चला जा, हम भी नहा ना। चलिए नहा लीजिए। अभी हमारी प्यारी सी वाइफ जा रही है कपड़ा धुलने के लिए, मेरा टी शर्ट। क्या हुआ अंगिरा जी? हमको पता नहीं है कैसे धोया जाता है आला से कपड़ा, हमको भी नहीं पता। इसमें सरफ भी डाल दें? हाँ थोड़ा सरफ डाल लीजिए ना तो छूट जाएगा, फिर इसको डाल लीजिएगा इसमें। हाँ देखते हैं। अंगिरा जी को पता ही नहीं है कि मतलब कैसे कपड़ा धुला जाता है आला से, इससे मतलब दाग छोड़ा देता ना, जो व्हाइट कलर छोड़ा देता है, देखा जाए छोड़ाइएगा। मस्त कर दिया जी सच में। देखिए गांव में ऐसे ही रहता नहाने वाने के लिए, मतलब देखिए इधर चारों ओर से चट्टा गेड़ा रहता है, और यहाँ बैठ के नहाइए। तो अभी नहा हुआ के बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, और तो नहाए नहीं थे एकदम, मतलब शरीर एकदम भारी भारी लग रहा था, फिलहाल नहा हुआ के फ्रेश हो चुके हैं। एंड गाइस अभी देखिए मतलब क्या नजारा दिख रहा है आप लोग को, गर्म है देख सकते हैं भाई साहब, इतना गोलगप्पा। ऐसे गोलगप्पा चैलेंज करना क्या आज आपके साथ? कर लीजिए गोलगप्पा चैलेंज कर लिया जाए। कर लीजिए दोस्तों, देख सकते हैं इतना सारा गोलगप्पा एक मामी है वो बनाई है, और मेहनत की है। और अंगिरा जी अभी जा रही है खाने के लिए, ऐसा है मतलब गोलगप्पा निकालिए। मेहनत मामी जी की है, और चैलेंज हम अंगिरा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी घर पे ही बना इतना सारा गोलगप्पा और यह छोला,
ठीक है निकालिए कितना का कंपटीशन हो जाए, कितना का चैलेंज किया जाए, 20 का। चलिए ठीक है, और जो हारेगा वो क्या खाएगा, चौमिन खाएगा। चौमिन नहीं, अंगिरा जी अपना दिमाग लगा रही है, ऐसा नहीं चलेगा, मतलब दो मिर्चा रहेगा हारा, ठीक है। नहीं मिर्चा, अगर आप हार जाइएगा तो आप खाइएगा, आप हार जाएंगे तो चार खाइए, हम दो एक्स्ट्रा खा लेंगे। तो दोस्तों अंगिरा जी निकाल रही है अभी गोलगप्पा, हरा मिर्चा आ चुका है और अंगिरा जी निकाल रही है गोलगप्पा, और मिर्चा रखा गया पार्टी के लिए, जो हारेगा वो मिर्चा खाएगा। देख सकते हैं दोस्तों मतलब कितना बड़ा मिर्चा भाई, आप हारेंगे तो दो एक्स्ट्रा खाइएगा। चलो ठीक है एक और दीजिएगा बहनी। तो कितने दोस्तों इतना सारा गोलगप्पा और आज मतलब हमारी वाइफ के साथ चैलेंज होने जा रहा है गोलगप्पा, तो पूरा वीडियो का आप लोग देख कर जाइएगा कौन जीतता है, और जो हारेगा इतना बड़ा बड़ा मिर्चा खाएगा। और आपने देखिएगा तो मिर्चा एडवांस मिली है इनके खाने के, मतलब देखिए कुछ भी हो ठीक है, कान फट जाए या कुछ भी हो इतना मिर्चा खाना ही पड़ेगा। कान में से धुआं निकल जाता है फिर क्या करेंगे। आप लोग दोनों एक में रहिए, हम अकेले रहते हैं, ठीक है। और अभी स्टार्ट होगा, पहले तो पानी उनी रख लीजिए, इतना बनाई है लोग तो मामी भी लोग खाएंगी, हम लोग कमी में कंपटीशन कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो बनाया भाई पता चला हम लोग सारी खा जाए वो लोग खाए ही नहीं, नहीं जो मेहनत किया वो खाया नहीं, तब इसको साइड करते हैं। एक दो तीन स्टार्ट करो, हम तो पहले गाइस आराम आराम से खाते, देखिए दोनों लोग मिलकर खा रही है, आराम से खा कौन जीतेगा यार। अरे भाई दो खाइए, अरे आपको सगर खाना है, पूरा खाना होगा। देखिए भाई साहब चैलेंज तो चैलेंज होता है, हार गए और अभी जा रहे हैं सारी मिर्चा खाने, और मेरे साथ क्या होगा मुझे तो कुछ पता नहीं है, जा रहे हैं डर हमको लग रहा है, मतलब चैलेंज हार गए भाई, हमको लगा चैलेंज जीत जाएंगे लेकिन सारी मिर्चा खाने जा रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं है मेरे साथ क्या होगा, देख सकते हैं, ठीक है खाना, ये चैलेंज चैलेंज होता है। बाप रे कहां पर आ, कान में से धुआं ना निकल जाए, अब पता नहीं कि कान में से धुआं ना निकलने लगा, मेरा तो गटा ही सूख गया है, वो बैठ गया। पानी पी लीजिए, पानी जल्दी खाइए जल्दी, कंपटीशन कर रहे हैं हम लोग में हम लोग से। बंद करो यार कैमरा, बंद करो कैमरा, मत बंद करिएगा यार, बंद करिए कैमरा जी, बंद करो जी, ओ भगवान बंद करो कैमरा, बंद करो बाबू, बंद कर दीजिए कैमरा, मत बंद। अरे बाबू बहुत लगा जी, कितना मिठाई नहीं खाना चाहिए तेरी, बोले तो भाई। अरे बाबू बंद कर दीजिए बाबू, बंद कर दीजिए कैमरा, बंद कर लगा हो। नहीं नहीं, चैलेंज वगैरह हम किए, मेरी तो हालत एकदम खतरनाक खराब हो गई, हालत का दुकान में से धुआं, कान में से धुआं और आंस लगा है गिरने। मम्मी से मिलने जा रहे हैं क्योंकि दीदी आई है, दीदी का तबीयत खराब था, बहनी का, भाभी का, मम्मी भी मिलना चाहते तो उनको भी हम लोग, तो हम लोग लेकर जा रहे हैं फिलहाल दोस्तों, एक कल हम लोग घर चल जाएंगे यहाँ से, नहीं कल घर जाएंगे, क्योंकि अपना घर जो है गाइस यहाँ से नजदीक है, मतलब 4-5 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ जाना यहाँ आना। भाभी के मम्मी और मतलब भैया लोग बोले थे कि दो दिन और रुक जाओ, इसलिए हम लोग रुक गए हैं। दोस्तों इनका भी फर्स्ट बारी है, इन लोग का भी बात मानना पड़ेगा, अगर नहीं रुकेंगी तो समझ ही सकते हैं, बाकी आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट दीजिएगा। और दोस्तों ये देख सकते हैं आग जलाने के लिए कितना बड़ा कौड़ा भाई साहब, देखिए ना कुत्ता इसमें भी आ गया, दूर हट जा बेटा, चोट लगा गाइस, पता नहीं कौन मार दिया, लेकिन हम लोग नहीं मारते हैं, इतना बड़ा कौड़ा गाइस। और ठंडी आ चुका है और देखिए ये है उनका भाई छोटा, तो गाइस आ चुके हैं हम लोग मम्मी के पास, आशीर्वाद ले लेते हैं, और इधर दीदी है। बच्चे राधे राधे, आप लोग कैसे हैं, हम तो ये घड़ी बहुत परेशान है, ये रागनी के बच्ची का तबीयत बहुत खराब है, हम तो दवा कराने गए हैं महाराजगंज, तो चली आई है बच्चे सब, आप लोग सहयोग कर रही हैं हमारे अंगिरा जी के, हमारे दीपू जी के, आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग का चैनल आप लोग आगे बढ़ाइए, इसको चैनल के सब्सक्राइबर करिए। क्या बताया जाए दोस्तों, दीदी का तबीयत खराब था, भाभी का तबीयत, भैया का, मतलब सबका ही तबीयत खराब है अंगिरा जी, भाभी का एक रिपोर्ट है बहनी का। दीदी जी आई है निकल रहे, तो एग्जाम हेड करने आए भाभी जी के मायके से, तो बहनी के लिए सटाकी और इनर लेना है, और उनके लिए कुछ फल वगैरह लेना है खाने के लिए। कहाँ चला गया? डॉक्टर बोले थे बहनी को मतलब फल वगैरह खाने के लिए, तो हम लोग चल रहे हैं फल लेने बहनी के लिए। बहनी का क्या क्या लिया है दीदी? सटाकी और इनर लियाएगा और फल लियाएगा खाने के लिए बहनी को, क्योंकि फल दियाएगा, खून कमी है ना।
दोस्तों हम दीदी के बहनी को दवा करा दिए और घर हम लोग आ चुके फॉलो के राखी को। उधर मेरे हस्बैंड सो पड़े हैं और हम भाभी जी मिलकर वीडियो को एडिट कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते प्रणाम जय हिंद लव यू।